नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी खूब देखने को मिलता है। विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए फैंस किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि फैंस सुरक्षा घेरे को भेद कर कोहली से मिलने के लिए लाइव मैच के दौरान मैदान पर आ चुके हैं, लेकिन अब कोहली का एक जबरा फैन उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान से दुबई आ गया। दरअसल एशिया कप से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी दुबई में आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद विराट कोहली की टीम बस में वापस जा रही थी, तभी पाकिस्तान के एक लाहौर से आए फैन दौड़ता हुआ उनकी ओर आया, लेकिन इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। कोहली से मिलने को लेकर वो इतना फैन यहां पर खुश था या फिर कहीं इतना उत्साहित था कि वह काफी देर तक ये गार्ड से मिन्नतें करते रहा। इन सबसे अनजान कोहली टीम बस की ओर बढ़ती रही और यहां पर उनके फैन उन्हें आवाज लगा दी, फिर क्या था। कोहली ने भी दिल खोलकर उन पर प्यार लुटाया और उसके आसपास जाकर फोटो साथ में साथ सेल्फियां भी खिंचवा दी। आपको यह भी बता दें, कोहली का इस जबरा फैन का नाम मोहम्मद जिब्रान है। जिब्रान का कहना है कि कोहली उनका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐसा पल है जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। जिब्रान के इस वीडियो को एक पाक टीवी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है। कोहली से मिलने के बाद जिब्रान ने क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। उसने कहा है, मैं किसी और का फैन नहीं हूं, लेकिन विराट कोहली से मिलने के लिए मैं पाकिस्तान से यहां आ गया। मैंने इसके लिए बहुत यहां पर मेहनत किया है और बहुत महीनों का इंतजार भी किया है। विराट कोहली एशिया कप से टीम इंडिया के लिए वापसी कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे के बाद वह ब्रेक पर चले गए थे, वहीं पिछले साल कोहली का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था। ऐसे में वो 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के मुकाबले के मैदान पर वापसी करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें जरूर टिकी रहेगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।